दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे डायमेंशन टूल बार की तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन के बारे में। दोस्तों अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो, एक आर्किटेक्ट हो, तो ये डायमेंशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप प्लानिंग करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी तीन डायमेंशन हैं, डायमेंशन लीनियर कमांड, डायमेंशन कंटिन्यू कमांड और डायमेंशन बेस लाइन कमांड। ठीक है फ्रेंड्स, डायमेंशन लीनियर कमांड की शॉर्ट की होती है DLI, डायमेंशन कंटिन्यू की होती है DCO और डायमेंशन बेस लाइन की होती है DBA। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे डायमेंशन लीनियर कमांड के बारे में। डायमेंशन लीनियर कमांड होती है किसी भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ कैलकुलेट करने में यूज। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से चेक करेंगे डायमेंशन टूल बार में जाके, यहाँ पे लीनियर कमांड है हमारी, हम मेन्यू बार में जाके भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन में, ये हमारी लीनियर कमांड है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमें फास्ट काम करना है तो हमें शॉर्ट कीज पे काम करना होगा। ठीक है, डायमेंशन लीनियर कमांड की शॉर्ट की होती है DLI एंटर। ठीक है, उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, लाइन एंटर करूंगा। एक मैं एक यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन ले ली और अभी मुझे इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करूंगा, DLI एंटर। अभी यहाँ पे शो कर रहा है फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से पिक करूंगा, फिर सेकंड पॉइंट यहाँ से पिक करूंगा और ऊपर ड्रैग कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा एक स्लो यूज था, मैं आपको इसको यूज करने का फास्ट तरीका बताता हूँ कैसे यूज करूंगा। DLI एंटर एंटर, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्लिक करूंगा और नीचे ड्रैग कर दूंगा। देखिए कितनी आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, जैसे कि मेरे पास एक वर्टिकल लाइन है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए मुझे इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, फास्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा, DLI एंटर एंटर और क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी हुई लीनियर कमांड के बारे में। तो चलिए फ्रेंड हमारी नेक्स्ट कमांड डायमेंशन कंटिन्यू कमांड के बारे में बात करेंगे, जिसकी शॉर्ट की होती है DCO एंटर। ठीक है, डायमेंशन कंटिन्यू कमांड बेसिकली यूज़ की जाती है कि किसी ऑब्जेक्ट की, सॉरी किसी एक लाइन की दूसरी लाइन से डिस्टेंस कंटिन्यूअसली कैलकुलेट करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम डायमेंशन कमांड को ले सकते हैं टूल बार में जाके, ये हमारी डायमेंशन कंटिन्यू कमांड है, और यहाँ पे मेन्यू बार में जाके ले सकते हैं, ये हमारी कंटिन्यूस कमांड। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया हुआ है, तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अब मैं आपको दोबारे से बना के दिखाऊंगा। एक तो तरीका हो गया ये कि मैं DLI कमांड लूँ और 1 पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट इस तरह से कैलकुलेट कर दूँ एक एक डिस्टेंस करके। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन नहीं, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, हम टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा डायमेंशन कंटिन्यू कमांड का यूज़ हम करेंगे। इसको मैं डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी क्या काम करेंगे, DLI एंटर सिलेक्ट 1 पॉइंट सेकेंड पॉइंट ड्रैग कर दिया। अभी कंटिन्यू कमांड का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम कंटिन्यू कमांड पिक कर लेते हैं यहाँ से। अभी मैं सिर्फ यहाँ से पिक करूंगा पॉइंट को, यहाँ देखिए जहाँ से मैंने पॉइंट एग्जिट किया था इसने इसको वहीं से पिक किया है, तो अभी मैं सेकेंड पॉइंट दूंगा, फिर थर्ड पॉइंट, फिर फाइव, फिर सिक्स, फिर सेवन। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैं डायमेंशन कंटिन्यू कमांड का यूज कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये थी हमारी डायमेंशन कंटिन्यू कमांड। दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमांड है डायमेंशन बेसलाइन कमांड। डायमेंशन बेसलाइन कमांड की शॉर्ट की होती है DBA एंटर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा ग्राफ बनाया हुआ है, इसको समझिए पहले। ये मैंने क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे क्या काम करना है, मुझे 1 पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट, 1 पॉइंट टू थर्ड पॉइंट इस तरह से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, जैसे मैंने ऊपर आपको शो रहा है यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है। ये मैंने बेसलाइन कमांड का यूज़ करने के बाद कैलकुलेट किया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें यूज़ करके दिखाता हूँ, तो मैं सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, DLI एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। अभी डायमेंशन बेस कमांड के लिए DBA एंटर। ठीक है, अभी इसने क्या किया है कि इस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया है, तो मुझे क्या काम करना है, फर्स्ट टू थर्ड पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करूंगा, यहाँ पे पॉइंट पिक कर दूंगा, फिर यहाँ पे फोर्थ पे पिक करूंगा नेक्स्ट पॉइंट के लिए, फिफ्थ पे, फिर सिक्स पे एंड सेवन पे। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हम अपने डायमेंशन बेसलाइन कमांड का यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू, बाय बाय।